वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं मून लाइट चिकन एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वेन ने पहले ही अलान से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन अब वो उसे छोड़ कर जाने के लिए मजबूर भी हो गया। वो अपना सामान लेकर सीधे जिम के पास पहुँचा। जिम ने भी उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे दी। सुबह सुबह जिम फ्रेश होकर रेडी हुआ, वेन की नींद भी खुल गई तो देखा जिम उसे ही देखे जा रहा था। वेन बोलने लगा, अंकल जब आपके घर में कोई स्लीप ओवर करता है तो ऐसे ही देखते हो क्या उसे? जिम ने ना में जवाब दिया। उसके ना का मतलब था यहाँ पहले किसी ने भी स्लीप ओवर नहीं किया है। ये सुनकर वेन को थोड़ा स्पेशल वाली फीलिंग्स आई। वो बोलने लगा, जिम तुम्हारी वजह से फाइनली मैं अलान को छोड़ पाया, नहीं तो पता नहीं कितने दिन तक हम दोनों एक दूसरे में ऐसे ही फंसे रहते। जिम को लगने लगा इसका मतलब वही वो रीजन है जिसकी वजह से अलान और वेन अलग हो गए। वेन ने उसे समझाया, नहीं अंकल जिम ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया ना अलान से मैंने पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, हम बस साथ रहते थे और इस तरह फाइनली अलान मुझे भूल पाएगा। जिम ने फिर उसे पूछा कि आगे का उसका क्या प्लान है। वेन बोलने लगा, क्यों आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ रुकूं? और अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं होटल में रुक जाता हूँ। जिम ने उसे मना किया और जब तक बाहर उसके रहने का इंतजाम नहीं हो जाता उसे यहीं रहने के लिए बोला। इसके बाद वेन ने दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। जिम को टेस्टी लगा ब्रेकफास्ट और वेन ने उसे यहाँ रहने का पे बैग मान लिया कि वो जिम के लिए खाना बनाएगा। लिविंग भी ब्रेकफास्ट करने बाहर आया, दोनों ने उसे साथ में बैठकर खाने के लिए बोला। पर अंकल जिम के साथ तो अभी अभी उसकी फाइट हुई है, वो उनके साथ नहीं बैठना चाहता। पर फ्रिज में भी उसने देखा कि एक तो खत्म हो गए हैं। लिविंग थोड़ा नाराज हुआ, वो चुपचाप घर से निकल गया। वेन समझ गया कि जिम और लिविंग के बीच अगेन फाइट हुई है। इधर लिविंग सीधे हार्ट के घर पहुंच गया। वहां हार्ट की मॉम ने उसे बोला, लिविंग तुम्हारे काम ने तुम्हारे सारे कर्ज चुका दिए हैं तो अब तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, जिम को भी बता देना। पर लिविंग ने उनको बोला, मैम क्या मैं हार्ट से मिल सकता हूँ? आई एम सॉरी, मैं आपको बिना बताए उसे बाहर ले गया। माँ पूछने लगी, हार्ट ने तुमसे बाहर चलने के लिए कहा था? लिविंग उन्हें बताने लगा, हाँ मैम हार्ट बहुत कम्युनिकेटिव है, हम पहले सारे शहर में घूमे, स्ट्रीट फूड खाए और फिर मूवी भी देखा हमने। मोम को थोड़ी हैरानी हुई, ये हार्ट मूवी भी देखता है? लिविंग उन्हें बताने लगा, पर हार्ट फॉरेन मूवी देखना पसंद करता है क्योंकि थाई मूवी में सबटाइटल नहीं होते ना। और आपने पावलो चर्च के बारे में सुना है? वहाँ वो लोग डीफ लोगों के लिए स्पेशल क्रिसमस प्रोग्राम अरेंज करते हैं। हार्ट वहाँ बहुत कम्फर्टेबल था, वो सबसे बहुत बातें कर रहा था। हार्ट की खुशी जानकर मोम को खुशी हुई। उन्होंने लिविंग से बोला, लिविंग तो अगली बार से अगर तुम दोनों बाहर जाना चाहो तो मुझे बता देना, मैं तुम दोनों को लेकर जाऊंगी, इससे मुझे फिक्र भी नहीं होगी। लिविंग ने भी मॉम से परमिशन मांगा कि क्या हार्ट को वो हैंगआउट के लिए अपने घर लेकर जा सकता है। मॉम ने भी परमिशन दे दी। लिविंग हैप्पी। हार्ट ने भी खुद को अपने रूम में बंद कर लिया था। वो अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज था, ये उन्होंने कभी उसे नहीं समझा और जिसने उसे समझा उसे ही ब्लेम कर दिया। हार्ट ने देखा एक नोट्स दरवाजे के नीचे से किसी ने उसके रूम में भेजा। नोट्स देखते ही उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने तुरंत गेट खोला, सामने एज एक्सपेक्टेड लिविंग खड़ा था। हार्ट की खुशी तो डबल हो गई। लिविंग ने उसे बताया, मैंने तुम्हारी मॉम से बातें की, बहुत डर लग रहा था पर अब सब ओके है। फिर वो अंदर आने वाला था पर हार्ट ने उसे रोका। लेकिन हार्ट के रोकने से क्या लिविंग रुक जाएगा? दूसरी तरफ जिम और वेन भी ढाबे पर पहुंचे। लेंग पहले से ही वहां साफ सफाई में लगा था। वेन ने उसे स्नैक्स दिए पर लेंग का तो दिमाग कुछ ज्यादा ही दौड़ गया। वो दोनों से कहने लगा, तुम दोनों साथ में आए मतलब टुगेदर हो गया, अब बॉयफ्रेंड बन गए हो क्या? वेन ने उसे बताया, नहीं मैं तो बस रात को उनके घर में रुका था और मैं भी ये बात जानना चाहता हूँ कि हमारे बीच क्या रिलेशनशिप है, मेरे लिए उनसे पूछोगे प्लीज? यही क्वेश्चन लेंग ने जिम से पूछा। जिम का रिप्लाई सिंपल था, दोस्त हैं और क्या। शाम को जिम और वेन बियर पीने बैठे। वेन थोड़ा अपने घर को मिस कर रहा था। जिम भी ये बात समझ गया। उसने वेन को बोला कि बैंकॉक तो उसके लिए बिल्कुल सही प्लेस है, फिर वो पटाया जैसे छोटे शहर में क्यों आ गया? वेन बोलने लगा, अंकल वहाँ बैंकॉक में बहुत क्राउड होते हैं ना, वहाँ चाहे कितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हो, सब कुछ सुविधा हो, पर फिर भी लोगों को अगर चांस मिले तो वो वहाँ से निकलना चाहेंगे और वहाँ एक जॉब वैकेंसी आई थी तो मैंने रिस्क ले ली। जिम बताने लगा, जब मैं तुम्हारे एज का था तो ऐसे ही रिस्क लेना पसंद करता था, इसीलिए तो मैं और मेरी बहन जाम घर से भाग गए थे। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि हम सर्वाइवर्स हैं, कहीं भी अपने आप को संभाल लेंगे। वेन के डैड भी वेन से यही कहते थे कि वेन एक सर्वाइवर है, वो कहीं भी एडजस्ट कर लेगा खुद को। और साथ में ये भी कि लव जो है एक तरह का दूसरा स्वीट होम होता है, तुम अगर ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो अच्छा था या बुरा, और अगर जो घर तुम्हें अपना नहीं लगेगा तो तुम्हें वहाँ से मूव कर लेना चाहिए, और जिस दिन तुम्हें राइट वाला होम मिल गया उस दिन तुम वहाँ से मूव ही नहीं करना चाहोगे। फिर वेन साथ जिम को किस करने वाला था। जिम भी फ्लो में था लेकिन फिर जिम दूर हट गया। वेन को थोड़ा बुरा लगा, अंकल आपकी बाउंड्रीज इतनी हाई क्यों है, क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ? जिम का कहना था, तुम नहीं वेन, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। कुछ साल पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैं उससे बहुत प्यार करता था,
पर वो मुझ पर चीट कर रहा था। उसके रिलेशनशिप मेरे अलावा भी किसी और के साथ भी थे, और वही मंथ में कुछ दिनों के लिए वो अपने गांव बोलकर जाता था, तो उसके ना कॉल्स लगते थे और ना ही मैं उसे कुछ कॉन्टेक्ट कर पाता था। और एक बार जब वो अपने गाँव जाने वाला था तो इसी बात को लेकर हमारे बीच बहस हो गई। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, पर मैं क्यों सुनता उसकी बात, और सुनता भी तो क्या, या तो वो कुछ झूठ बोल देता या फिर कोई बहाना बनाता। उस दिन हमारे बीच फाइट तो हुई, पर फिर भी वो गांव के लिए निकल गया। उसके आंख में एक उम्मीद थी कि वापस आने के बाद वो फिर से सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन कुछ ही देर में न्यूज आई कि जिस फेरी से वो गया था वो फेरी नदी में डूब गई और उस फेरी के सारे लोगों की मौत हो गई। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है, काश मैंने उससे फाइट थोड़ी और बड़ी करी होती तो वो वापस नहीं जाता और ना ही उसकी डेथ होती, और मुझे उस वुमन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो उसे जानता भी नहीं। मुझे बहुत गिल्टी फील होता है, ऐसा लगता है कि मैंने उस वुमेन से उसका प्यार छीना, और यकीन भी नहीं होता कि ऑल दोस टाइम हमने जो एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर की है क्या वो सच थे। वेन बोलने लगा, अंकल जिम, पर टाइम सारे चोट को हील कर देते हैं। जिम का भी यही कहना था, पर ओल्ड एज में चोट को हील होने में भी थोड़ा मुश्किल होता है। अगले दिन जिम वापस अलान के बैंक में गया, पर अलान ने तो डायरेक्ट उसे लोन देने से मना ही कर दिया। जिम को बात अजीब लगी, उसने रीजन पूछा तो अलान ने उसे बोला, मैं प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर को डिफरेंस नहीं कर पा रहा और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई नहीं कर सकते हम। आप एक काम कीजिए, दूसरे बैंक के पास जाइए, लोन मिल जाएगा आपको। और दूसरे बैंक का कार्ड उसने जिम के सामने रख दिया। जिम को अंदर से बहुत गुस्सा आ गया, उसने अलान के कार्ड को नहीं उठाया और वहां से चला गया। फिर जिम को गियापा का कॉल आया, जिम सीधे ग्यापा के घर पहुंच गया। ग्यापा ने बहुत सारे डिशेस बनाए थे। जिम उसके पूरे घर को देखने लगा, वो घर अब थोड़ा सूना सूना लग रहा था। जिम बोलने लगा, ग्यापा तुम्हारी माँ को मिले मुझे ज्यादा दिन भी नहीं हुआ था, मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ। ग्यापा भी बोलने लगा, मेरी मॉम हमेशा डैड की बातें करती थी, उनके बातों से लगता था कि डैड अभी भी मेरे साथ ही हैं। जब वो दोनों टुगेदर नहीं थे तो मेरी माँ हमेशा उन्हें चेज करती थी, और धीरे धीरे डैड को भी लगने लगा अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो आपको भी उससे प्यार हो ही जाता है, और फाइनली वो दोनों भी टुगेदर हो गए। जिम ने अपनी राय पेश की, हाँ ये बात तो है, पर ये चीज इस बात पर डिपेंड करता है कि वो पर्सन हमें लाइक करता है या नहीं। अगर वो राइट वन हुआ तो हमें लाइक करेगा, अगर वो राइट वन नहीं हुआ तो मुश्किल है। ग्यापा ने तुरंत पूछ लिया, अंकल तो क्या मैं आपका राइट वन बन सकता हूँ। जिम थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर उसने ग्यापा को सॉरी बोला। ग्यापा को रिजेक्शन मिला, इस बात से वो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा दुखी हो गया। उसके आंख से आंसू गिरने लगे। जिम उसे समझ पा रहा था, पर वो उसे उस तरह से लाइक नहीं करता तो फिर उनके बीच बात कैसे बनेगी। उसने ग्यापा के जमीन के पेपर वापस कर दिए। ग्यापा तुरंत बोलने लगा, नहीं अंकल, आप इसे मुझे वापस क्यों कर रहे हो, इस पेपर और हमारे बातों के बीच का कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस रियली में आपकी हेल्प करना चाहता था। जिम ने उसे समझाया, ग्यापा ऐसी बात नहीं है, एक्चुअल में ये काम नहीं करेगा, जाम मेरी बहन है ना, मैं जमीन के पेपर्स उससे ले लूंगा, हम दोनों सिबलिंग्स हैं तो ये काम करेगा। जिम वहाँ से वापस ढाबे पर आया, इस बात की खबर लैंग को भी हो चुकी थी। उसने जिम से पूछा, अंकल जिम तुमने ग्यापा के पेपर्स वापस क्यों कर दिए, आप समझ रहे हैं ना उसकी फीलिंग्स और हेल्प दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जिम बोलने लगा, नहीं लैंग, मैं उसकी फीलिंग्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं करना चाहता, और चाहे कुछ पाने के लिए मैं कितनों भी डिस्परेट हूँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर उसने अपनी बहन जैम को कॉल किया और जमीन के पेपर्स के बारे में पूछे। शाम में वेन जिम के घर वापस आया तो देखा जिम घर को डेकोरेट करने में लगा था। वेन बोलने लगा, अंकल जिम आज आप मुझसे पहले कैसे घर वापस आ गए, और आज 31 दिसंबर है, आप घर को डेकोरेट क्यों कर रहे हो। जिम का कहना था, मे बी इससे थोड़ा सा उसकी लाइफ में भी चेंजेस आ जाए। फिर वेन भी डेकोरेशन में उसकी हेल्प करने लगा। उसने बहुत बार कोशिश की कि अंकल जिम भी अपने फीलिंग्स उसके साथ शेयर करे, पर अंकल अभी भी जीत पे अड़े थे। डेकोरेशन के बाद दोनों रेस्ट करने बैठे। वेन अंकल जिम के गोद में सर रखकर लेट गया। जिम उसके बाल सहलाना चाहता था पर फिर कुछ सोचकर उसने हाथ पीछे कर लिए। नेक्स्ट सुबह जिम अच्छे से रेडी हुआ और कुछ डिश उसने बनाए। वेन भी जागा, उसने जिम से पूछा कि इतने सुबह सुबह रेडी होकर वो कहाँ जा रहे हैं। जिम ने उसे बताया मंदिर। वेन को भी मंदिर जाना था, भले वो मंदिर वगैरह जाने जैसा नहीं दिखता है पर वो जाता तो है। दोनों मंदिर पहुंचे, वहां दोनों ने चढ़ावा चढ़ाया। एक्स का बर्थडे भी उसी दिन था तो जिम ने उसके फोटो पर माला चढ़ाए। बहुत ही कम उम्र में ही जिम के एक्स की डेथ हो गई थी। ऐसा लगता है कभी कभी डेथ बहुत इजीली आ जाता है, लेकिन डेथ से ज्यादा हार्ड तो लाइफ जीना होता है। वेन ने जिम से पूछा कि वो उस वुमन से मिलना नहीं चाहते हैं। जिम का जवाब ना में था, वो किस मुंह से उस औरत से मिले, वैसे भी वो उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो कहाँ रहती है ये भी उसे नहीं मालूम। वेन बोलने लगा, अंकल अगर आप चाहो तो ये मुश्किल भी नहीं है, आपके पास आपके एक्स का फेसबुक आईडी है ना, और फिर उस औरत के बारे में पता लगाने के बाद दोनों उस औरत से मिलने पहुंच गए।
अंकल जिम उस औरत से बात करने आए। उस औरत ने अंकल जिम से नॉर्मली बातें की। वो जिम के बारे में सब जानती थी। जिम को इस बात से हैरानी हुई। औरत ने उसे बताया, मेरे और एक्स की शादी फैमिली की वजह से हुई। टिपिकल चाइनीज फैमिली, एक दो बार खाने पर मिले और एक दूसरे के साथ हैंग आउट किया, फिर शादी। जिम समझ गया, मतलब एक्स के लाइफ में तो वो बाद में आया है, तो फिर क्या इससे वो औरत ओके थी? औरत बोलने लगी, इस तरह की चीजों में कौन ओके रहता है, पर फिर भी उसने तुम्हें डेट किया ना। वैसे जब मुझे तुम दोनों के बारे में पता चला तो मैंने उसे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए फोर्स किया। उसने कहा था वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेगा। वैसे तुमसे एक बात पूछूं, तुम अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? जिम ने उसे बोला, मैं साथ उसे हम में से एक को चूज करने के लिए बोलता। पर जिम को लगने लगा इसका मतलब एक्स मुझसे ब्रेकअप करने वाला था। औरत बोलने लगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उसे ब्रेकअप करना ही होता तो वो कब का कर चुका होता, पर उसने ऐसा नहीं किया। जिम को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। औरत ने उसे बोला, जिम अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक्स तुमसे प्यार नहीं करता था, क्योंकि लवर्स ऐसा नहीं करते, तब भी तो मुझ पर बिलीव नहीं करोगे? जिम को अच्छा लगा, एटलीस्ट एक्स इस औरत के साथ तो सही करना चाहता था। तभी औरत की बेटी अपने मम्मी के पास आ गई। जिम को हैरानी हुई, औरत उसकी परेशानी समझ गई। उसने जिम को बताया, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये एक्स और मेरी बेटी नहीं है, मैंने दूसरी शादी की है और उनसे ही ये मेरी बेटी है। जिम को उस औरत से बात करके बहुत रिलीफ महसूस हुआ। जो बोझ था मन में कि उसने उस औरत से एक्स को छीन लिया, वो बोझ उतर गया उसके सर से। वेन को ये देखकर खुशी हुई। जिम उसे थैंक्स करने लगा कि अगर वेन उस रात ड्रंक होकर उसके ढाबे पर नहीं रुकता तो शायद इस बोझ से वो कभी हल्का महसूस नहीं कर पाता। वेन हैप्पी। उसने जिम को बोला, मतलब अब मैं आपके ढाबे का बेस्ट एम्प्लॉय हुआ, राइट, जो आपकी हर चीज में हेल्प करता हो। जिम भी बोलने लगा, हाँ, तुम फर्स्ट, लिंग सेकंड और लेमिंग थर्ड। उसकी बातें सुनकर वेन ने तुरंत पूछ लिया, तो अंकल आप मुझे अपने फैमिली का हिस्सा मानते हो? जिम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वेन को थैंक्स किया और वहां से चलने के लिए बोला। वेन 31st की शाम वही फायरवर्क्स देखना चाहता था, पर जिम ने उसे मना किया, बोला बहुत बार देख चुके हैं तो चलते हैं अभी। इधर लिमिंग भी हार्ट को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर लेकर आया। उसने हार्ट को मैसेज किया कि देखा, मैंने कहा था ना, अगर मैं तुम्हारी माँ से अच्छे से बात करूँ तो वो मान जाएंगी। हार्ट ने फिर जंबो को गोद में लिया। लिमिंग ने उसे जंबो का नाम बताया और हार्ट ने उसे बोलने की कोशिश की। टूटी फूटी ही सही, पर हार्ट की आवाज बाहर आई। लिमिंग को भी उसकी आवाज सुनाई दी। वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने हार्ट को दोबारा बोलने के लिए कहा। हार्ट ने अपना नाम बोला और लिमिंग तो उसकी आवाज दोबारा सुनकर हद से ज्यादा ही खुश हो गया। फिर दोनों टीवी देखने के लिए बैठे और 2022 का एंड और 2023 की शुरुआत के लिए काउंट करने लगे। अंकल जिम और वेन भी घर वापस आ गए। वेन ने जिम को फर्स्ट जन की पार्टी के लिए इनवाइट किया और साथ में लिमिंग को भी इनवाइट करने के लिए कहा, पर अंकल का कहना था अगर जिम ने लिमिंग को इनवाइट किया तो वो नहीं आएगा, इसीलिए वेन खुद ही उसे इनवाइट कर रहे। वेन अपने चार्जर ढाबे पर ही भूल गया था, इसीलिए उसने वापस जाने के लिए अंकल जिम से चाबी मांगी और जिम अंदर आया। इधर न्यू ईयर के काउंटडाउन भी खत्म हुए और सब न्यू ईयर में एंटर हुए। लिमिंग और हार्ट भी अपनी तरह से खुशियां मना रहे थे और इसी खुशी के मौके पर दोनों अपने फीलिंग्स नहीं रोक पाए, एक दूसरे को किस करने लगे। लेकिन उन्हें अंकल जिम ने भी देख लिया। वो कुछ बोले नहीं और वापस बाहर आ गए। बाहर परेशान वेन ने उनको बोला, अंकल हमें हॉस्पिटल चलना होगा, अलान का एक्सीडेंट हो गया है। दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। वेन का दोस्त तो पहले से ही वहां मौजूद था। उन्हें बताया गया कि अलान ड्रंक था, इस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। वेन को हैरानी हुई क्योंकि अलान ऐसे ही यूं ही ड्रिंक नहीं करता, तो फिर ये तो सोचने वाली बात थी। नर्स ने उनसे पूछा कि अलान का कौन है वहाँ जिन्हें वो रिपोर्ट बता सके, और अलान का वहाँ कौन है? वहाँ तो बस वेन ही था। वेन ने अंकल जिम से बातें करनी चाही। जिम उसकी सिचुएशन समझ रहा था। उसने बोला, वेन तुम यहाँ रुको, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही करता, ठीक है? तो इसी के साथ मूनलाइट चिकन एपिसोड 6 यहीं एंड होता है। और बहुत बहुत सॉरी दोस्तों, मैंने इस एपिसोड को लाने में इतनी देरी कर दी है, मैं इस चीज के लिए माफी चाहूंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।